ऑल इंडिया राम रहीम मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। ऑल इंडिया राम रहीम मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर कचहरी परिसर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा था, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हम मजदूर भाई बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन श्रम विभाग रामपुर मजदूरों की योजनाओं के बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं करता है। मेरा नाम रूप सिंह सैनी है जी। मैं ऑल इंडिया राम रहीम मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, यहाँ जो आज ज्ञापन सौंपा है डीएम साहब को, क्या मामला है? देखिए, हमने जो आज मजदूर संघ के जो सारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, हमारी ये जिला अध्यक्ष महिला विंग की भी हैं, साहिस्ता मैम, और आज हमने जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है, इसलिए कि जो हमारे मजदूरों के हक हैं वो हमें मिल नहीं पा रहे। जैसे आप खुद इस बात को सर्वे करें, मतलब खुद आप ये देखें कि ग्राम श्रम विभाग द्वारा विद्यालयों में विद्यालय खुल गए, आज उन विद्यालयों में कोई भी व्यक्ति पढ़ाने वाला नहीं, फर्जी विद्यालय कागजों में चल रहे हैं, और जो बच्चों के लिए वजीफे का पैसा आता है हर साल 7,000 कुछ रुपए, उन बच्चों के घरों पे टीचर जा रही है, कह रहे 7,000 रुपए आपके आ गए हैं, 4,000 हम लेंगे, 3,000 हम आपको देंगे। इतना भ्रष्टाचार मजदूरों के बच्चों के साथ। आप किस समस्या को लेकर के डीएम साहब को समस्या के हम समस्या इस समस्या को लेकर चल रहे हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार की योजना मजदूरों के बारे में और यूपी गवर्नमेंट की मजदूरों के बारे में योजना, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, उनके हक उन तक मिलना चाहिए। तो क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन हमारे डीएम साहब ने हमें ये दिया कि तत्काल प्रभाव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।